मैं ये सोच रहा था कि धूप में बैठे बैठे श्रोताओं में से हर कोई अलग अलग प्रकार से अलग अलग ढंग से पक गया होगा। और दूसरी बात, ये जो खुराक विविधता है उसको सुन के और उस पर जो अटैक हो रहा है, उस पर जो संकट है, संकट शब्द हिंदी में है अरिष्ट, खतरा, वो आपसे सुनते हुए मैंने जब गुजरात में रहता था किसी को मैंने बोलते हुए सुना था, न खाने दूंगा न खाऊंगा। अब ये पांच बिंदु, मैं ये नहीं जानता कि मेरा चित्त कॉन्शियसनेस असलियत में है या नहीं है, या केवल मेरा भ्रम है। मैं ये भी नहीं जानता कि विश्व मेरे चित्त के बाहर का है या नहीं है। गीता में नासते विद्यतो भावान भावो विद्यते, सब जो विद्यमान है वो हमेशा रहा है वगैरह गीता में कहा है, लेकिन जो विद्यमान है, वास्तव है, जिसे वास्तव कहते हैं, वस्तु, वस्तु का विश्व, वस्तुनिष्ठ विश्व, वो और मेरा चित्त, उसमें केवल एक ही रास्ता है। चार रास्ते तीन बत्ती नहीं है वहां, और वो एक रास्ता शब्द का है। अगर शब्द ना हो तो दुनिया की किसी भी चीज चीज ना होगी, उसको अस्तित्व में नहीं आ सकती। ये जो शब्द है भाषा, वो आज पूरे विश्व में खतरे में है। ऐसा माना गया है कि दुनिया में आज शायद 6000 भाषाएं है। अब ये 6000 है कि नहीं, 6000 से थोड़ी ज्यादा है या थोड़ी कम है, बोलने वाले जाने, मैं भगवान जाने नहीं कहता हूं कि भगवान कम बोलते हैं। एथनोलॉग एक स्टडी प्रक्रिया रही, उन्होंने 7000 कही है, यूनेस्को ने 5000 कही है। 20 साल पहले मैंने एक लिंगुआ स्फीयर नाम से जो काम किया उसमें 5500 की लिस्टिंग की, लेकिन 6000 है, ऐसे गिनी है, ऐसे मानी है। एक अंदाज से, एक एस्टिमेट में इस ये 6000 भाषाओं में से आने वाले 30 सालों में कम से कम 4000 भाषाएं मर जाएगी। ये साइंटिफिक एस्टिमेट है, मैथमेटिकल मॉडलिंग के ऊपर आधारित है, सोशियोलॉजिकल स्टडीज के ऊपर आधारित है। काफी चिंतन करने के बाद इस तरह का फोरकास्ट किया गया है। वो चैलेंज हो सकता है, लेकिन ये कोई नहीं कह सकेगा कि 6000 की जगह 6200 भाषा होगी। भाषाएं कम होती जा रही है, बल्कि भाषाओं में छुपी स्मृति भी बहुत खतरे में है। अशुभ बात हुई स्मृति परंपरा की, तो साहित्य स्मृति होता है। पूरी दुनिया में स्मृति इंसान ने आउटसोर्स करने का तय कर दिया है। आपके आप में से किसके पास मोबाइल फोन ना हो वो हाथ ऊंचा करे, उसमें जो मेमोरी चिप है वो मेमोरी चिप पहले जो दिमाग काम करता था वो काम कर रही है और ज्यादा करेगी। हमारे देश में पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे में 780 भाषा का जिक्र हुआ। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ इन 780 भाषाओं में से आने वाले 30 या 40 साल में कम से कम 400 भाषाएं बचेगी नहीं। ये मेरा पहला मुद्दा था। अब दूसरा, समाज।
शेखर जी ने कश्मीर के ट्राइब्स की और मेघालय के ट्राइब्स की बात की, उन्होंने घुमंतु जनजाति या जातियों का भी जिक्र किया। ये जो घुमंतु लोग हैं वो कुछ 190 टू बी प्रिसाइज 191 कम्युनिटीज, उनको 19वीं सदी में स्लीमन नाम के अधिकारी, अंग्रेजी अधिकारी थे, उन्होंने लिस्टिंग का काम शुरू किया। 1830, 1840, 1850 में उन्होंने काम पूरा किया। उस लिस्ट के आधार पे जो भी राजाओं के सैनिक, क्योंकि राजाओं सब पराभूत हो गए, सर पराभूत होने की परंपरा भी हमारे यहाँ बहुत है, पुरानी है, तो राजा पराभूत हो गए, उनके सैनिक इधर उधर घूम रहे थे, उनको डिसार्मिंग, हथियार छीन लेना, हथियार मुक्त भारत, ऐसे बार बार ऐसे घोषणाएं आती है कि फलाना मुक्त भारत फला, तो अंग्रेजों ने हथियार मुक्त भारत, क्योंकि जिससे अपोजिशन ही नहीं आएगा, कोई चैलेंज नहीं आएगा। ये 1830, 40, 50 में काम किया। और ऐसे सभी घूमने वाले, फिर वो वन गुज्जर हो, फिर पारधी हो, सांसी हो पंजाब के, दक्षिण के यनाडी येराकुला हो, अनेक नाम, इनको कोई बंदिस्त जगह में फेंसिंग किया जाता था तार से, 14 फीट ऊंचाई का कंपाउंड फेंसिंग रहता था, उसमें जकड़ दिया और इनको क्रिमिनल ट्राइब्स ये नाम दिया। 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बना और उसके तहत जो जर्मनी में जर्मनों ने जू की स्थिति की थी, वो इस देश में इन नोमैडिक और पेस्टोरल कम्युनिटीज की हुई। और ये सिलसिला 1871 में शुरू हुआ, 1952 तक चला। 1952 में ये डी नोटिफाई हुए, उनको आज़ादी दी गई, उनको विमुक्त बोलने लगे हम। लेकिन 1952 ऐसा कमबख्त साल था, जब तक शेड्यूल ऑफ ट्राइब्स और शेड्यूल ऑफ कास्ट बन चुका था, तो इनके लिए कोई शेड्यूल नहीं बन सका अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन। और ये ऐसे ही एक इल्ज़ाम लिए हुए घूमते रहे, न उनके पास जमीन है, न उनके व्यवसाय बचे, क्योंकि पहले ये कलाकार भी होते थे, बाउल सिंगर्स, दे वर ऑल्सो नोटिफाइड बाय द ब्रिटिश एज ए क्रिमिनल ट्राइब, गाना गाने की सजा। सर ये भक्ति पोएट्री बाउल सिंगर तक आती है, अंग्रेजों ने इनको एक जुल्म के रूप में दिखाया और उनको सजा दी। 190 कम्युनिटीज टू देयर पॉपराइज, कहीं के नहीं है, कहीं के नहीं है। वो अपना मुंह छुपाते हैं, नाम छुपाते हैं, भाषा छुपाते हैं, कोड लैंग्वेज में बात करते हैं, उनके लिए कुछ भी कुछ भी कुछ भी इस देश ने नहीं किया। इसके बाद इसके बारे में चर्चा हो सकती है। दूसरे आदिवासी, आदिवासी के कुल सिंह के सिंह की बात डॉक्टर शेखर पाठक ने की। के सिंह ने जो लिस्टिंग किया कम्युनिटीज़ का, उसमें लगभग 4000 कम्युनिटीज़ के नाम आते हैं, एंड सब कम्युनिटीज़ एंड सब कम्युनिटीज़। ये 4000 कम्युनिटीज़ में से कुछ 500 जितनी कम्युनिटीज़ को ट्राइब्स के रूप में हमने स्वीकारा है। अन्य बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ है जो न कहीं भी हायरार्की में कास्ट के आती है, न ट्राइब में आती है, बीच में पड़ी है, न इधर की न उधर की, और उनकी जानकारी आज तक भी किसी को नहीं है। कभी कभी वो खुद को, जिसे सोशियोलॉजी में संस्कृताइजेशन कहते हैं, उस प्रक्रिया में घुस के स्वामी नारायण के जरिए पटेल बनते हैं, या राजस्थान में वो अस्थिर जमीन बिना के होते वो राजपूत बन जाते हैं, महाराष्ट्र में वो खुद को पाटिल सरनेम लेके मराठा बनवाते हैं। इनकी ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज हमारे देश में है। और आज जो डेवलपमेंट की सोच है, उस सोच में ये घुमंतु, खानाबदोश, अलमा कबूतरी में जिसका वर्णन आया है, ऐसे लोग, आदिवासी
ये एक विकृति के रूप में देखे जाने लगे हैं। हर बार आदिवासी आवाज उठाए तो उसको नक्सलाइट कह के बुलाया जाता है, और दो नक्सलाइट गोली में मर गए ऐसा न्यूज पढ़ के हम हमारे चाय बिस्किट के साथ खाते हुए कुछ भी एक पल के लिए रुकते नहीं, एक बूंद आंसू हम उनको देते नहीं। हम हमारे समाज की विविधता की पूरी उपेक्षा कर रहे हैं। भाषा, हर भाषा एक यूनिक वर्ल्ड व्यू है, दुनिया के साथ चित्त जोड़ने का एक अपना अलग तरीका है। उसी तरह से हर समाज पृथ्वी को छीने का, स्पर्श करने का एक अलग तरीका है। ये पृथ्वी को हाथ स्पर्श करने के तरीके, ये विश्व को देखने के तरीके, हम सब पूरी दुनिया में और जाहिर है हमारे देश में मार रहे हैं। तो तीसरा मुद्दा मेरा, तीसरा बिंदु, सोच या विचार। शेखर जी ने बहुत अच्छा काम किया, मेरा काम आसान किया। कितने रिलीजन है देश में जो ईश्वर के बारे में सोच है, डिविनिटी के बारे में सोच है, पौरुष है या अथवा अपौरुष है, वो कोई स्वरूप में हो या स्वरूप बिना, ऐसी डिविनिटी के कितने हमारे ख्याल है इस देश में। तो कम से कम 60 से ज्यादा जिसे रिलीजन्स कह सकते हैं, और उससे ज्यादा ऐसी कम्युनिटीज जो इंस्टीट्यूशनल फेथ सिस्टम नहीं मानती है। गुजरात में मैं था, वहां तो वो राठवा लोग बाबो पिठोरो नाम से चित्र निकालना यानी भगवान, चित्र भगवान नहीं, चित्र निकालने की प्रक्रिया ये उनका भगवान है। इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स आइडिया ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड दे ऑल बिलोंग टू दैट इंस्टीट्यूशन, तो बहुत उनकी लॉयल्टी। अब उसको हम गुजरात में बहुत सालों से मैंने देखा उनको हिंदू लिखने लगे,